Good morning, kids. Morning, morning. Kids, I am your teacher Rafia, and today I will share with you some information which will help you in your quiz competition. आप सोचोगे टीचर ने आज इतनी बार हमें मॉर्निंग मॉर्निंग क्यों कहा है? Because today is 21st December, और 21st December को क्या होता है? 21st December is the shortest day of the year. ये सबसे छोटा डे होता है. तो जब ये सबसे छोटा डे होता है तो दिस मीन्स कि इस मंथ के बाकी डेज भी जो हैं वो शॉर्ट होते हैं. इस वजह से दिसंबर के जो इतने भी डेज होते हैं ना वो कंपैरेटिवली अदर मंथ से शॉर्ट होते हैं. इस वजह से कहते हैं कि दिसंबर हैज़ शॉर्टेस्ट डेज ऑफ द ईयर. अब आप सोच रहे होंगे कैसे होता है. एक्चुअली जो हमारा सन है वो तो अपनी जगह पे स्टेबल रहता है, खड़ा रहता है, लेकिन जो हमारी अर्थ है ना वो मूव करती रहती है, वो अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है. और जब उसका फेस जो है वो बिल्कुल अर्थ के अपोजिट चला जाता है ना तो फिर वो हमारा शॉर्टेस्ट डे होता है. और क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है तो पहले थोड़ा थोड़ा सा डेज इंक्रीज होना शुरू होते हैं. इसी तरह से जब वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम उसका फेस जो है वो सन के सामने आ जाता है तो फिर लॉन्गेस्ट डे बन जाता है. और वो कब होता है जी? वो होता है जून में. जैसे शॉर्टेस्ट डे दिसंबर में होता है ना तो लॉन्गेस्ट डे कब होता है? जून में होता है. और जो जून के बाकी डेज होते हैं वो बाकी मंथ से लॉन्ग होते हैं. तो इस वजह से जून के बाकी डेज लॉन्ग होने की वजह से हम कहते हैं कि जून हैज़ लॉन्गेस्ट डेज ऑफ द ईयर. द क्वेश्चन अबाउट दिस इंफॉर्मेशन इज विच मंथ हैज़ शॉर्टेस्ट डेज ऑफ द ईयर? दिसंबर हैज़ शॉर्टेस्ट डेज ऑफ द ईयर. आंसर इज दिसंबर हैज़ शॉर्टेस्ट डेज ऑफ द ईयर. अनदर क्वेश्चन इज विच मंथ हैज़ लॉन्गेस्ट डेज ऑफ द ईयर? आंसर इज जून हैज़ लॉन्गेस्ट डेज ऑफ द ईयर. अरे ये कौन सा एनिमल है? किसी को इसका नेम पता है? यस इट्स कैमल. इस पर राइड भी करते हैं. किस किसने राइडिंग की हुई है? कोई बैठे इस पर कैमल पर? सब बैठे हुए हैं. ओके, अच्छा आप नहीं बैठे. ओके चलें, आपको नेम पता है ना इसका, कैमल. और इसके एक और नेम भी होता है, इसको एक और नेम से भी बुलाते हैं. किसी को इसका नेम पता है? इसको कहते हैं शिप्स ऑफ डेजर्ट. अब आप सोच रहे होंगे इसको शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे दिन तक खाना अपने अंदर स्टोर करके चल सकता है. जैसे हम थोड़ी देर भी भूखा नहीं ना रहते, स्पेशली पानी, पानी के बगैर तो हम रहते ही नहीं है. लेकिन जो कैमल होता है ना वो बहुत दिन तक बगैर कुछ खाए पिए चल सकता है. और डेजर्ट में पानी और ग्रास मिलना तो बहुत मुश्किल होता है. ये देखिए ना, हर जगह पे तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने के बाद कहीं कहीं पे कोई ग्रीनरी नज़र आती है, अदरवाइज नहीं मिलता. डेजर्ट में पानी और ग्रास बिल्कुल भी नहीं मिलता है. तो इस वजह से हम वहाँ पर यही एनिमल यूज़ करते हैं और इसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं. द क्वेश्चन इज विच एनिमल इज नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट? आंसर इज कैमल इज नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट. जी ये है सोलर सिस्टम. इसके बारे में किस किस को पता है? ये हमारा जो येलो पार्ट नज़र आ रहा है ना इसके अंदर लेफ्ट साइड पे, इसको कहते हैं सन. और इसके साथ जो छोटे छोटे राउंड राउंड नज़र आ रहे हैं प्लैनेट्स, इनके नेम्स भी आपको पता है. मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो. तो ये जो प्लैनेट्स हैं ना ये सब सन के अराउंड मूव करते हैं. लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो मैं आपको बताती हूँ. वो टीचर को भी नहीं पता थी. जब मैं आपके जितनी छोटी थी ना मुझे नहीं पता था कि जो वीनस होता है वो हॉटेस्ट प्लैनेट होता है. मुझे लगता था कि मर्करी जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट होता है क्योंकि वो सन के सबसे पास है. तो ये देखिए ना, पहले जब सन है येलो कलर का बड़ा सारा, उसके जो सबसे साथ प्लैनेट है वो तो मर्करी है. तो मुझे लगता था कि वो सन के पास है तो वो ही जो है सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट होगा. लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि जो वीनस है ना
वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। जैसे हमारे अर्थ के अंदर आपको पता है कि वाटर भी है, ग्रीनरी भी है, ऐसे ही वीनस के अंदर जो चीज़ें हैं ना, मेटल भी है और जो भी वहाँ पे ज़मीन है वो इस किस्म की है कि वो उसको हॉटेस्ट प्लैनेट बना देती है। तो अब मुझे पता चला कि वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको तो ज़रूर बताऊंगी ताकि आप भी मेरी तरह, आपको ना बड़े होके पता चले, आपको पहले से ही पता हो कि वीनस इज़ हॉटर देन मर्करी। जो वीनस है ना वो हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। द क्वेश्चन अबाउट दिस इंफॉर्मेशन इज विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। आंसर इज द वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। गुड बाय किड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।